दोस्तों SVN 9 न्यूज की खास पेशकश आज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। 24 साल बाद ऐसा हुआ है जब कांग्रेस की गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष मिला है। इस चुनाव के नतीजे की बात करें तो 9497 कांग्रेस नेताओं ने वोट किया था। आज हुई मतगणना में खड़गे ने शशि थरूर को भारी मतों से हरा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7897 वोट मिले जबकि शशि थरूर को महज 1072 वोट मिले। खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर उनके सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं, वह कांग्रेस पार्टी को कितना बदल पाएंगे, पार्टी के लिए क्या क्या नया कर सकते हैं, समझते हैं इन चुनौतियों के बारे में। पहली चुनौती परिवारवाद की। जेल में कैद कांग्रेस के बीच खड़गे के सामने बड़ी चुनौती होगी कि वह स्वतंत्र होकर पार्टी के लिए फैसला ले सकें जिनमें गांधी परिवार का कोई दबाव ना हो, मतलब बिना दबाव के वो काम कर सके, ये पहली बड़ी चुनौती हो सकती है। वहीं देखें तो राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लड़ाई जारी है। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी थरूर ने एक तरह से मोर्चा खोल रखा है। एक के बाद एक कई कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस विधायकों के बीच नाराजगी है। ऐसी स्थिति में खड़गे के सामने जो दूसरी बड़ी चुनौती है वो है पार्टी में लगातार बढ़ रही फूट को रोकना और एकता के बंधन में नेताओं को बांधना, ये सबसे बड़ी दूसरी चुनौती हो सकती है। इसके इतर अगर देखें तो कांग्रेस फिर से तभी चुनाव जीत सकती है जब खड़गे जनता को ये भरोसा दिला पाएं कि उनके लिए यही पार्टी बेहतर है। उनको ये भरोसा दिलाना होगा जनता को। खड़गे के ऊपर ये बड़ी चुनौती है। इसके लिए कांग्रेस को नए नए लोगों को पार्टी से जोड़ना होगा। खड़गे के लिए ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है। आगे नज़र डालें तो अभी नवंबर में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं। अगले साल यानी 2023 में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें कर्नाटक भी शामिल है जहां से खड़गे खुद आते हैं। 2024 में भी 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, एक साथ लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ये तमाम चुनाव भी होने वाले हैं। इन चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस की चुनौती खड़गे के सामने इस वक्त आ चुकी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर कितना खड़े उतर पाते हैं। बाकी एक सवाल आपसे भी लूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जो चुनौतियां खड़गे के सामने आने वाली हैं क्या वो चुनौतियों पर खड़े उतर पाएंगे, और ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो आपके दिमाग में चल रही हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहरहाल हम खबरों की गहराइयों को टटोलते रहेंगे और आपको हकीकत से रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए SVN 9 न्यूज। बहुत शुक्रिया।